नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ के द्वारा बिलासपुर, सुकमा और आपका बस्तर जिला से निकला हुआ वैकेंसी के बारे में, जहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिलासपुर, सुकमा से आप लोगों को 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका बस्तर संभाग में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिलासपुर जिला के द्वारा निकली हुई जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी हुआ है। यहाँ से आप लोग देखेंगे 15 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बिलासपुर जिला के मूल निवासी अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर मैं पदों की संख्या के बारे में बात करूँ तो पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ DMF मद से इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर 40,840 रुपया जो है आपको एक मुफ्त कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रति महीने आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अनारक्षित के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। तो इस प्रकार टोटल 2 पद जो है आपको देखने को मिलेगा। नियम एवं शर्त जो है आप लोग यहाँ से और भी देख सकते हैं, अच्छा से इसकी जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पद है बिलासपुर से निकल करके आया हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को अब यहाँ जो सुकमा के द्वारा आया हुआ जो वैकेंसी है उसके बारे में जैसे अपन बात करें, तो यहाँ पर जो है सुकमा के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पद निकला हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है 21/9/2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पर समग्र शिक्षा SE जिला सुकमा की तरफ से है और सुकमा के द्वारा फिलहाल अभी 3 पद जो है तीन वैकेंसी में आए हुए हैं। वीडियो पर आप बने रहे, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/9/2022 को शाम 5 बजे तक आपको पहुंचाना होगा। ये जो है विकासखंड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर जो के लिए है, जो कि 3 महीने के लिए है। यहाँ पर एजुकेटर के लिए 3 पद जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें जो है आप लोगों का जो विशेष कार्य दायित्व होता है उस पर आप लोग देख सकते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके आवश्यकता अनुसार जो है सुविधा प्रदान करना। तो इस प्रकार से जो भी पद है ये बहुत ही अच्छा पद है, यहाँ पर भी आपको पद देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर स्पेशल जो एजुकेटर पद हेतु जो आवश्यक शैक्षिक अर्हता है उसके लिए आप लोगों को स्नातकोत्तर के साथ BEd की डिग्री होना जरूरी है और 2 साल का डिप्लोमा अर्थात विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित RCI जो पंजीकृत होता है वहां पर भी आपका कार्य होना चाहिए। अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आयु सीमा जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। यहाँ पर जो है आप लोग सुकमा के निवासी हैं तो ये जो आवेदन पत्र है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुकमा से 3 वैकेंसी आया हुआ, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो सुकमा का जो वैकेंसी है ये आपको 21/9/2022 को मुख्यमंत्री यहाँ से देखने को मिलेगा 21/9/2022 से। तो ये रहा आपका वैकेंसी, जहाँ पर व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के लिए दैनिक यहाँ पर बताया गया है 6/10/2022 तक जो है कार्यालयीन समय में आपको 10:30 बजे तक जो है 6 अक्टूबर को ये जो है कक्ष क्रमांक 46 में आपको वहाँ पर स्वयं उपस्थित होना है और आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 1 पद है और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर 1 पद है। यहाँ पर दोरनापाल और कोंटा दोनों के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से जो वैकेंसी है वो निकल करके आया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप www.sukma.gov.in पर भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये जो है निर्धारित प्रपत्र जो है आवेदन पत्र अंकित कराए जा करके 6/10/2022 को शाम को आपको समय प्रातः 10:30 बजे कक्ष में उपस्थित हो जाना है, इस प्रकार से आपका बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप लोग जो चयन प्रक्रिया होता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, आप जो है कितना समय उपस्थित होंगे, कितना समय आप लोग जाएंगे, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका सुकमा का, और एक वैकेंसी निकल करके सामने आया हुआ है
ये जो वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी आपका सुकमा की तरफ से ही है और इसको भी आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इसको भर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। तो ये जो है कक्षा पहली से आठवीं तक जो है समग्र शिक्षा प्रारंभिक कक्षा जो होता है उसके अंतर्गत जो सुकमा विकासखंड में हेल्पर आया अटेंडेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करने के इच्छुक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 पद जो है निकल करके आया हुआ है हेल्पर आया अटेंडेंट के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये पद निकला हुआ है, मुक्त से 2 है और महिला वर्ग के लिए 1 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार का शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं हेल्पर आया अटेंडेंट हेतु न्यूनतम जो योग्यता है वो हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है, स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए और स्थानीय निवासी को ही आप प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में आप भी कहीं से हैं तो आप भी उसको फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है कुछ इस प्रकार से है, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को लिखना है, सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा सुकमा को आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों जगदलपुर से एक और वैकेंसी निकल करके सामने आया है, तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर 16/9/2022 को ये वैकेंसी जारी हुआ है और यहाँ से आपको देखने को जरूर से मिल जाएगा। ये रहा आपका जो वैकेंसी तकनीकी सहायक के रूप में, जहाँ पर एक मुफ्त मासिक वेतनमान 27,740 रुपया, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद जो है आरक्षित है। उसके बाद जो है आपको इस आवेदन पत्र को जो है शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुम्हार कुम्हारावंड जगदलपुर को आपको भेजना है। साधारण डाक से भेज सकते हैं, स्पीच पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या तो फिर आप पंजीकृत डाक के माध्यम से आप जो है दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को शाम 5:30 बजे तक भेज सकते हैं। इसके लिए कोई भी ये नहीं है, कहीं से भी है आप छत्तीसगढ़ के, आप ये फॉर्म जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी सहायक के लिए जो है 1 पद निकला हुआ है। अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो www.igkv.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। अंतिम तिथि एक बार और बता देता हूँ, 7/10/2022 है। यहाँ पर इसका नियम एवं शर्तें दिया गया है, नवीनतम पासपोर्ट फोटो लगाना है आपका, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आरक्षण के अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आपका ऐसे प्रमाण पत्र लगाना है जहाँ पर आपको जन्म तिथि लिखा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी है जो आपको पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसका आवेदन पत्र का जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार से होने वाला है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि नगर रायपुर, इस प्रकार से आपको दिया गया है। फैसले टेस्ट फोटो लगाना है, डिटेल और एप्लीकेशन फीस, आप एप्लीकेशन फीस का करेंगे तो उसका पूरा डिटेल दे देंगे और ये बाकी आप भरना बहुत ही आसानी के साथ इसको आप लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा बिला सुकमा की तरफ से आया हुआ 3 वैकेंसी और जगदलपुर की तरफ से 1 वैकेंसी और बिलासपुर की तरफ से 1 वैकेंसी। ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ और आप लोगों से मुलाकात होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।